बरेली के सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों को दी जाने वाली पैरासिटामोल ड्रग विभाग के मानकों पर फेल हो गई। मामले का पता उस वक्त लगा जब ड्रग विभाग की प्रयोगशाला में जांच कराई गई, लिहाजा ड्रग इंस्पेक्टर ने सरकारी अस्पतालों में घटिया पैरासिटामोल की आपूर्ति और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। बताया जा रहा है कि पैरासिटामोल की सप्लाई हिमाचल की हीलर्स नाम की कंपनी कर रही थी। सीएमओ विनीत कुमार शुक्ल ने बताया कि पैरासिटामोल जांच में फेल हुई है, लिहाजा सरकारी अस्पतालों में इसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। ये कल औषधि निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि जो पैरासिटामोल दवा का उन्होंने सैंपल लिया था वो अधोमानक पाया गया। ये दवाएं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जाती है। ये पैरासिटामोल भी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा दी गई थी। इस विषय में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है, इसके वितरण को रोक दिया गया है और जो दवाएं पहले ही ब्लॉक में वितरित कर दी गई थी, ब्लॉक में निर्देश दे दिए गए हैं कि इनको प्रयोग ना किया जाए और वापस मुख्यालय भिजवा दिया जाए। सर, पैरासिटामोल की सप्लाई कब आई थी और कब इस पूरे मामले की जानकारी थी? उसके बाद ये सप्लाई मई जून में आई थी। सप्लाई अब यहाँ ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है कॉरपोरेशन का, वहीं से हम लोग ये दवा लेते हैं आवश्यकता अनुसार। और इस मामले की जानकारी तो कल ही हुई है क्योंकि कल ही औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट आई। नुकसान तो नहीं होता है क्योंकि जो मात्रा मानक के अनुरूप होनी चाहिए उससे कम मात्रा पाई गई है, तो नुकसान का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन जो अपेक्षित प्रभाव दवा का होना चाहिए उससे कुछ कम प्रभाव हुआ होगा ऐसा विषय। मेसर्स हीलर्स लैब यूनिट 11 प्लॉट नंबर 33 HPSIDC एक्सटेंशन डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। कंपनी से क्योंकि हम लोगों ने दवा नहीं खरीदी तो कंपनी से हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं है, तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमने मेडिकल कॉरपोरेशन को लिख दिया है, यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित होगी तो मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा ही की जाएगी।